वेलकम टू लताज थाली रेसिपीज। आज मैं आपको चार रेसिपीज दिखाने जा रही हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती हैं, टेस्टी होती हैं और बड़ी बात कि आप आराम से उसे वेट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। और सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स कि आज जो रेसिपीज बनाने जा रही हूँ उसके जज भी हैं। जज हैं मेरे हस्बैंड संजीव जी। बताती हूँ आपको क्या हुआ। लोग तो जानते हैं संजीव जी कितनी कुकिंग करते रहते हैं, तो आज जब उन्हें पता चला कि मैं ऑलिव ऑयल की शूट करने जा रही हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल की, तो मुझे कहने लगे देखते हैं तुम्हारी ये हेल्दी डिशेस कितनी टेस्टी होती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी चैलेंज ले लिया, आपको टेस्ट कराऊंगी, ऑनेस्टली बताइएगा। जो फ्रेंड्स मैं दिसानो के एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल की शूट करने जा रही हूँ और इसका मैंने आपको कोकोनट ऑयल की होम रेमेडीज भी दिखाई थी, मैं लिंक ऊपर अटैच कर देती हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मैं इसका क्यों दिखा रही हूँ आपको ये भी रीजन बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं वही चीजें दिखाती हूँ जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या करती हूँ, और दूसरी बात मैं वो चीजें दिखाती हूँ जो अच्छी हो और सस्ती हो। सबसे पहले एक ब्रेकफास्ट रेसिपी या स्नैक रेसिपी कह सकते हैं, ओट्स उत्तपा फटाफट बनने वाला दिखा रही हूँ आपको। उसके लिए आपको चाहिए ओट्स, मैंने ये वाले मंगवाए थे, अगेन ये दिसानों के ही हैं। मुझे ये दो पैकेट जो है वन ऑन वन फ्री मिला, 250 रुपीज़ में मिल गए थे अमेजोन से, जो कि मुझे बहुत सस्ते लगे और अच्छी क्वालिटी के तो है ही। एक एक किलो था, मतलब दो किलो 250 में मिल गए, बहुत चलते हैं ये ओट्स। अच्छा ये आप क्या कीजिए, ओट्स ले लीजिए और एक कढ़ाई गर्म कर लीजिए, उन्हें हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इस उत्तपे की रेसिपी बता रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर लीजिए और बस बंद कर दीजिए, हल्की सी जब खुशबू आने लगती है ठंडे हो जाए तो पीस लीजिए। पाउडर भी आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का ना ये पाउडर बना के मैं रख लेती हूँ, आप भी ये पाउडर बना के रख लीजिए फ्रेंड्स। इसकी बहुत सारी रेसिपीज मैं आपको दिखाऊंगी आगे, ये देखिए इस तरीके का जो है ये पाउडर बन जाता है। फ्रेंड्स मैंने सारे लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको खरीदना हो तो देख लीजिएगा। लेट्स बिगिन। तो ओट्स उत्तपा के लिए चाहिए एक कप ओट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो, साथ में एक कप सूजी या रवा, मतलब सेम चीज है, दो कप दही, तो आप जो भी एक कप लीजिए मेजर के लिए अपने हिसाब से, उसी से सब चीज़ मेजर कर लीजिए। और अब इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अनियन देखिए दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो इसमें मिक्स कर लीजिए, मैं लेकिन बनाते टाइम डालती हूँ तो वैसे ही डालूंगी। मैंने इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया है। तब तक आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑलिव्स कहाँ के सबसे ज्यादा फेमस होते हैं पूरी दुनिया में? 1, 2, 3 गेस इट, स्पेन के। स्पेन के ऑलिव्स बहुत अच्छे होते हैं और ये जो दिसानो का ऑलिव ऑयल है ये वहीं पे बनता है, वहीं पे जो है ऑलिव्स कच्चे लिए जाते हैं ना, उन्हें कोल्ड प्रेस करके उनका ऑयल निकाला जाता है, उससे बनता है, इसलिए इसे कोल्ड प्रेस कहते हैं। और फ्रेंड्स एक फ़र्क भी बता देती हूँ, क्या होता है कि जो दूसरा वाला ऑलिव ऑयल होता है नॉर्मल वाला, वो आप हाई कुकिंग पे, हाई हीट कुकिंग पे जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस होता है इसे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म, ऐसे जैसे हमारी इंडियन कुकिंग होती है, उसके लिए मत यूज़ कीजिए। आप यूज़ कीजिए जैसे डोसा उत्तपा वगैरह हो गया, सैलड्स हो गए, या कोई ड्रेसिंग बनानी है, डिप वगैरह बनाने होते हैं, या फिर कुछ सूप्स में यूज़ करना है जो कि मैं अभी आपको आगे रेसिपीज़ में दिखाऊँगी, उस तरह से यूज़ कीजिए। एक बात और, ये बनता भी हाई हीट पे नहीं है, कम हीट पे बनता है, इसलिए जो इसके सारे गुण हैं ना वो इसमें इंटैक्ट रहते हैं, तो फुल ऑफ बेनिफिट्स है ये। आधा घंटा हो गया है फ्रेंड्स, देखिए ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा फ्लोई बनाने के लिए जो है उसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह का हो जाए। बस मैंने जो है पैन को गरम कर लिया है, अब जो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालने जा रही हूँ मैं। इसे आप सिम पे ही बनाइए, इनफैक्ट ये जो ऑलिव ऑयल है इससे आप कुछ भी बनाइए तो सिम पे ही बनाइए, मैं सजेस्ट करूँगी, ताकि इसकी जो है सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंटैक्ट रहें। बस इस पे डाल दीजिए अनियन, ये हो गया अनियन उत्तपा, चाहिए तो थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिए, इसे हम ढक देंगे। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है,
बस अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे, इसे पलट देंगे आराम से। इसे भी सिम पे पकाएंगे हम। बस कुछ 2 मिनट में आपका जो है हेल्दी उत्तपा रेडी हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगे एक्चुअली। और ये चटनी बनाई है मैंने फ्रेंड्स, धनिया डाला है, टमाटर डाला है इसमें, लहसुन डाला है, हरी मिर्ची डाली है। देखिए आज है संडे और संडे को ज्यादा करके लोगों के घर में कुछ खास बनता है, तो हमारे घर में भी आज कुछ खास बनने जा रहे हैं। वो खास क्या है वो लता जी बताएंगी, उन्होंने सरप्राइज रखा है, हमें भी पता नहीं वो किचन में क्या बना रही है हमारे लिए। वही जो आपने चैलेंज दिया था मुझे ऑलिव ऑयल रेसिपी, ये ओट्स उत्तपा है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल का, जीरो कोलेस्ट्रॉल है इसमें, लो सैचुरेटेड फैट भी है, मतलब अच्छे वाले फैट बहुत सारे, म्यूफा प्यूफा आपको खानी चाहिए ऐसी चीजें। खाइए, टेस्ट करके बताइए। संडे को हमें लगा था हमें कुछ भटूरे छोले, वड़ा पाव, पूरी आलू ऐसा कुछ मिलेगा, ये क्या? ठीक है खा के दिखाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूरी तल दूंगी ऑलिव ऑयल में। ठीक है, ये भी खा के देखते हैं क्या चीज है। एक मिनट, 10 में से कितने नंबर बताइए। पहले मैं अपने दोस्तों को भी बता दूं, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि जो कुछ हेल्दी रेसिपी होती है वो टेस्टी बिल्कुल नहीं होती है। आज हमारी वो मिथ, हमारी वो गलत फहमी दूर हो गई है भैया, हेल्दी रेसिपीज भी बहुत टेस्टी होती है। ये इसमें डाला क्या क्या है वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। अरे? आपको तो मालूम ही है क्या क्या डाला है आपको। इसमें से हम देते हैं 10 में से 9 नंबर। 10 एक नंबर कम इसलिए क्योंकि आपने इसमें हमारे लिए हरी मिर्च नहीं डाली। फ्रेंड्स, जो हमें ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले भूख लगती है ना, उसके लिए बहुत हेल्दी सैलेड बनाने जा रही हूँ और टेस्टी भी। चलिए आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सैलेड के लिए लिया है मैंने येलो बेल पेपर, ये ऑप्शनल है। टमाटो ले लिया है, टमाटर में से आप सीड्स निकाल लीजिए क्योंकि वो नुकसानदेह होती हैं। ये बॉयल्ड बीटरूट ली है, बीटरूट अगर खाइए तो बॉयल करके खाइए, बहुत टेस्टी भी लगती है और फ़ायदा भी ज़्यादा देती है। ये खीरा लिया है, साथ में है लेटस और थोड़ी सी ग्रेटेड गाजर ले ली है, कैरेट। आप चाहें तो कोई और अपने पसंद की सैलेड वाली सब्जी डाल सकते हैं इसमें, और साथ में थोड़ा सा नींबू लगेगा, थोड़ी सी शहद है, थोड़ा सा पेपर है। नमक मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि नींबू वगैरह से टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो सब्जियों का ना क्रंच चला जाता है नमक डालने से, वो थोड़ी सी सौगी हो जाती हैं। और साथ में ये हमारा ऑलिव ऑयल जिसका अभी हम बनाने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, एक बोल लेना है और उसमें जो है सारी सब्जियां नींबू को छोड़ के डाल देनी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी हनी, थोड़ी सी पेपर, या आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, आपको कितनी पेपर पसंद है। सॉल्ट चाहे तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और ऑलिव ऑयल, ये जो ऑलिव ऑयल की खुशबू है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ट्राई करके देखिएगा और मुझे लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं है, हमारी जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, अच्छा वाला बढ़ाता है, तो इसलिए जो है हम आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दूंगी थोड़ा सा नींबू, अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मुझे बहुत खट्टा नहीं पसंद है इसलिए थोड़ा सा ही डाला है। लेट्स सी इसमें मुझे कितने नंबर मिलते हैं, और मिक्स कर देंगे। दोस्तों आज तो किचन लता जी ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ऑलिव ऑयल का ओट्स उत्तपा खिला दिया जो हमने आपको खाकर बताया कि कैसा था, बहुत बढ़िया था। और अब ये हमें मिला है मिड मॉर्निंग स्नैक। यूजुअली मिड मॉर्निंग में ना हम कुछ उल्टी सीधी चीज़ें चबा लेते हैं जो चबानी नहीं चाहिए, जैसे कि बिस्किट हो गए, कुछ नमकीन पड़ा हुआ तो वो डाल लिया मुँह में, क्योंकि 11-12 बजे के करीब अगर 9-9:30 बजे नाश्ता किया ना तो भूख लगती है। आज ये चॉइस मिला है हमें समथिंग हेल्दी समथिंग नाइस। और वैसे एक सीक्रेट बताएं, हमें सैलड्स बहुत पसंद है, लेकिन ये सैलड लेट्स सी बताते हैं। मैं मार्क्स का वेट कर रही हूँ, पॉइंट्स का आई मीन। फ्रैंकली ये तो कमाल बना, इसमें डाला क्या क्या है
इसमें ना मुझे कोई सॉस नजर आ रही है, ना कोई ऐसी वैसी हैवी ड्रेसिंग। इसमें हेल्दी वाली सॉस है, मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ी सी और भी चीजें डाली हैं। तो फ्रेंड्स, मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप हर तरह के ऑयल यूज कीजिए, जैसे डीप फ्राइंग कुकिंग के लिए अलग ऑयल यूज कीजिए, सौते करने के लिए तो ये बेस्ट है ऑलिव ऑयल। जो आज रेसिपीज मैं आपको दिखा रही हूँ उसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल इज दी बेस्ट। अदरवाइज आप सारे ऑयल यूज कीजिए ताकि सबके फायदे एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको मिल पाए, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान हो गया, कोकोनट हो गया, ऑलिव ऑयल डेफिनेटली हो गया। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑलरेडी पानी बॉयल हो रहा है। मैंने एक पतीले में जो है काफ़ी सारा पानी ले लिया है और ये रहा व्हीट पास्ता। व्हीट पास्ता यूजुअली प्रेफर करती हूँ मैं, ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। आपको जितना चाहिए आप अपने अंदाजे से ले लीजिए। इसमें अब मैं डाल दूंगी नमक थोड़ा सा, ये भी जो है आप अंदाजे से डाल सकते हैं नमक। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो मैं यूज़ कर रही। ओके, तो अब हम इसे कुछ जो है 8 मिनट तक के पकने देंगे। व्हीट पास्ता को थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्चुअली आपको अंदाजे से देखना पड़ेगा कि कब ये नरम हो गया। बस फ्रेंड्स, ये गैस मैंने बंद कर दी है क्योंकि पास्ता बिल्कुल पक चुका है, देखिए सॉफ्ट हो गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर वो टूटने लगेगा। हल्का सा पैन को मैंने गर्म कर लिया है। फ्रेंड्स, ये भी ऐसी रेसिपी है जो आपको सिंपल बनानी है और ज़्यादा इसमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। ये डाला मैंने ऑलिव ऑयल, कटा हुआ गार्लिक जो कि बहुत ज्यादा हमको पकाना नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है गार्लिक को। गार्लिक के साथ ही डाल देंगे हम, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं हमेशा हर चीज में वेजीज ऐड करती हूँ तो ऐड कर रही हूँ। ये मैंने जो है रेड बेल पेपर जो है लंबी लंबी काट ली, आप चाहे तो ग्रीन भी डाल सकते हैं, वैसे इसमें रेड ज्यादा अच्छी लगती है। पास्ता उसमें रखने का रीज़न है अच्छे से थोड़ा फूल भी जाएगा, और क्या है कि वो पानी भी हम यूज़ करने वाले हैं इसलिए मैंने उस पानी को जो है ड्रेन नहीं किया। उस बस बहुत हल्का सा ये हो गया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पेपर आपको जितनी चाहिए, मुझे थोड़ा गार्लिक पेपरी अच्छा लगता है इसलिए मैं अच्छे से पेपर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा और सॉल्ट, थोड़ा तो हमने उसमें डाला था, थोड़ा सा और पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम डाल देंगे अपना पास्ता। मुझसे एक्चुअली उससे थोड़ा ठीक से पलटा नहीं जा रहा था तो मैंने ये ले लिया है पास्ता को टॉस करने के लिए। जो है ये डाल देंगे हमारा ऑलिव ऑयल वाला पानी, एक या दो डाल सकते हैं, मैं दो डाल रही हूँ ताकि हल्का सा जो है वो गीला गीला पास्ता बने, बहुत सूखा सूखा नहीं बने। मैं अपनी थोड़ी सी हिंदुस्तानी टच ना दूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता है, इसलिए मैं जो है इसमें कोरिएंडर की सीजनिंग डाल रही हूँ, मतलब हमारा सिंपल सीधा धनिया, एंड बिलीव मी ये बहुत टेस्टी लगता है। बस हमारा पास्ता जो है वो तैयार है। ओलंपिक चल रहा है और गर्मा गर्म पास्ता आ रहा है, कहाँ है? आ गया, आ गया, लीजिए। अरे वाह, देखो भैया पास्ता आ गया, आरव ये लीजिए। ये लीजिए, कब बनाया पता भी नहीं चला। ये भी ऑलिव ऑयल में बनाया क्या? ऑब्वियसली आज ऑलिव ऑयल डे जो है हमारा, आप खाइए, आपने चैलेंज दिया ना इसलिए तो मैं पकड़ लूं आपके लिए। तो मुझे ना ये अंग्रेजी खाने होते हैं ना, जैसे पास्ता, बर्गर, पिज्जा, इतने पसंद नहीं आते, लेकिन मेरे शादीशुदा जो दोस्त है वो समझ जाएंगे कि अगर बीवी कुछ बनाए तो पति मना कर सकता है क्या? खाना ही पड़ेगा। चलिए पास्ता भी खा के देख लेते हैं। सैलेड के भी नंबर तो दिए नहीं, चुपचाप खा लिया। अच्छा हुआ मना नहीं किया, बहुत बढ़िया पास्ता बना है। लेकिन ये बाजार जैसा क्यों नहीं है? ये इसमें वो ये व्हीट पास्ता है और ये हेल्दी पास्ता है, इसलिए जो है ये टॉस जैसा पास्ता बनता है ना, और ऑलिव ऑयल में बना हुआ है, आई मीन एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल में बना है। आप लोग खुल के खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मुझे भी टेस्ट कराओ, क्या बात है। इसमें अगर मैंने टेस्ट किया, कोई मुझसे पूछे ना कितने पॉइंट्स मिले हैं तो मैं दूंगा। कितने पॉइंट देंगे? जल्दी दो,
10 में से 9 तो पॉइंट्स ही बताया, सैलेड वाज 10 आउट ऑफ 10 100%। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंपलीफाई। स्वीट कॉर्न सूप आप में से किस किस को अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी चौथी रेसिपी है स्वीट कॉर्न सूप की, जो कि खास बात ये है कि मैं उसे बिना कॉर्न फ्लावर के बनाने जा रही हूँ। एब्सोल्युटली हेल्दी एंड टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो कॉर्न जो मिल जाते हैं ना, चाहे तो आप खुले वाले ले लीजिए, चाहे तो आप फ्रोजन जो मिलते हैं वो ले लीजिए, उन्हें बॉयल कर लीजिए। मैंने बॉयल करके जो है इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया। अब इसमें से जो है आधे लेकर मैं पीस लूंगी और आधे ऐसे रहने दूंगी। ये देखिए, ये पीस किया है और इस तरीके का जो है ये पेस्ट जैसा बन गया है। एक बार फिर से जो है मैंने पतीला हल्का हल्का गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ हमारा वही एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल। लगता है पतीला थोड़ा गीला था अंदर से। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा अनियन। अगेन हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का पकाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए रेसिपीज़ को, लिखिए मुझे। आधा कुछ अनियन समझ लीजिए, बारीक कटा हुआ, आधा प्याज डाला है मैंने। अब जो है इसमें मैं ये डाल दूंगी, जो हमारा कॉर्न्स का पेस्ट बनाया था ना मैंने, ये डाल रही हूँ। इसमें कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉर्नफ्लावर भी तो कॉर्न से ही बनता है, तो ये उसका काम कर देगा। पानी डाल के इसे अच्छे से निकाल लेंगे। इसे हिलाते हिलाते डाल दूंगी, पानी अच्छे से जो है मैंने इसे डाल दिया है, इसमें खंगाल दिया है। बस अब इसे हिलाना पड़ेगा कंटिन्यूसली, छोड़ना नहीं है इसे। इसमें हम डाल देंगे बाकी बचे हुए कॉर्न्स और साथ में ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिए बारीक कटी हुई गाजर। ये देखिए बॉईल होने लगा है, इसे हम सिम पर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आप बस अंदाजे से जो है देखते रहिए इसकी कंसिस्टेंसी, जब लगे थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है तब हम इसे बंद कर देंगे। कि फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल एजेंट नहीं डाला है हमने, थिकनिंग एजेंट। लेकिन इसका स्वाद, इसका न्यूट्रिशन बहुत है। ड्रेसिंग के लिए चाहे तो आप बोल में डालिए ऊपर से, चाहे ऐसे डाल दीजिए, बहुत हल्का सा जो है हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे। अब जानते हैं चाइनीज खाने में हमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। नहीं नहीं, एपिटाइजर्स भी नहीं, नूडल्स भी नहीं, राइस भी नहीं, वो सब पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें चाइनीज में चाइनीज सूप्स पसंद है। स्वीट कॉर्न सूप, होडनसार सूप, मंचाओ सूप, इतने अच्छे अच्छे सूप्स मिलते हैं ना चाइनीज में। क्या बताएं आपको, हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या घर पे भी बनाते हैं ना, तो दो तीन बोल तो चाइनीज सूप के ज़रूर पी जाते हैं। और आज लता जी ने कहा है कि अलग तरीके का स्वीट कॉर्न सूप बनाऊंगी, वेजिटेरियन है, और इसमें अलग क्या है जरा खा के आपको बताते हैं। इसमें पहली बात तो कॉर्नफ्लावर नहीं है, ये बता दूं मैं, बहुत हेल्दी है ये। कॉर्नफ्लावर के बिना सूप कैसे बन सकता है? आप पी के देखिए कैसा लगता है, देखिए। चाइनीज सूप बिना कॉर्नफ्लावर के? चलिए देखते हैं। बहुत गर्म है, कॉर्नफ्लावर पड़ा है, झूठ कह रहे हो। अरे नहीं पड़ा है, सच कह रही हूँ, कुछ भी। और बटर भी नहीं डाला आज वैसे मैंने। बट अमेजिंग, इसमें कॉर्नफ्लावर की कमी महसूस ही नहीं हो रही है। और कॉर्नफ्लावर नहीं है तो लाइट भी है और जाहिर है हेल्दी भी। और लता जी, योर हेल्दी रेसिपी इज अगेन अ हिट एंड अगेन 10 on 10। अरे वाह, हमने सोच लिया है कि हफ्ते में दो तीन बार इन्हें चैलेंज कर दिया करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा खाने को मिल जाएगा, और क्या चाहिए, हमारी भी सेहत बेहतर हो जाएगी। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय, और चैलेंज करते रहिए।